देश और दुनिया की ताजा खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल नेशनल थॉट्स को और बेल आइकन दबाना ना भूलें। भारत प्रभु सज्जनों एवं माता स्वरूपा देवी एवं प्यारे बच्चों, आज अक्षय तृतीया का महापर्व है। इस दिवस को भगवान परशुराम अवतरित हुए थे। अक्षय तृतीया सनातन धर्म के लिए बहुत शुभ दिवस है। पहले बाप जो बच्चों का विवाह होता था, बाल विवाह, ये शास्त्रीय है, इसी दिवस को लोग ज़्यादातर करते थे। और फिर उसके बाद गौना, फिर विदाई, ये सब का परंपरा चलता है, जो कि शास्त्री कहा गया है कि पिता के घर अगर स्त्री रजस्वला हो गई तो उसके सारे पुत्र नष्ट चले जाते। अनादि अपौ से वेदों द्वारा प्रतिपादित जो सनातन धर्म है उसका भारतवासी सदा पालन करते हैं। उसी धर्म की रक्षा के लिए भगवान का विविध अवतार होता है तथा विभूतिवान संत जन समय समय पर आते रहते हैं। साधु नाम दर्शनम पुण्यम तीर्थ भूता ही साधव तीर्थ फलेति कालेन सद साधु समागत। हा का अर्थ हुआ तेज प्रकाश, जो तेज प्रकाश में रहता है वही भारत है। निर्गुण निराकार सगुण साकार अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक पूर्ण सत्ता पूर्णतम पुरुषोत्तम अखंड सच्चिदानंद कंद शुद्ध बुद्ध मुक्त सर्वतंत्र स्वतंत्र सर्वशक्तिमान सर्वसमर्थ प्रभु की असीम अनुकंपा से जीव के युग युगांतर कल्प कल्पांतर जन्म जन्मांतरों के अखंड पूर्ण पुंज जब पुष्पित होते हैं तभी जीव का जन्म भारत वर्ष में होता है। मानो मानो एक समान का एक ढोल पीटा जा रहा है। आखिर यह सब क्या है? यह सब है पतन की ओर दौड़। जब मानव अपने देश अपनी जाति अपने धर्म ग्रंथों पर विश्वास करके दूसरों के देश जाति धर्म ग्रंथों पर विश्वास करता है तो इसका सीधा अर्थ है वह कहीं पर भी सफल नहीं हो सकता है। योगी सर्वशक्तिमान परमात्मा की प्राप्ति ही जीवन का परम लक्ष्य है। अपने जीवन के इस महान लक्ष्य की प्राप्ति वर्णाश्रम धर्मानुसारी आचार व्यवहार विचार के द्वारा ही हो सकता है। इसलिए हिंदू जाति का परम कर्तव्य है कि वह इतर क्षुद्र संस्कृतियों के ऊपरी चापचिक से भी मोहित हुए बगैर अपने महान लक्ष्य की प्राप्ति करे। आज शिक्षा वर्ग पर शासन तंत्र पर व्यापार तंत्र और व्यापार तंत्र पर श्रमिक तंत्र जब छा जाता है तब विश्व का विध्वंस सुनिश्चित हो जाता है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। हर हर।